गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस सीजनिंग। आज मैं आपके साथ स्पाइसी टेस्टी इजी भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप इस टेस्टी भिंडी फ्राई को बना सकते हैं। आप इस भिंडी फ्राई को साइड डिश की तरह दाल चावल या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर प्लेन चावल के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बनाते कैसे मैं आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो यहाँ पे भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी। यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। नेक्स्ट 2 मीडियम साइज ऑनियन लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं एक पैन। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। इस भिंडी फ्राई में ऑयल ज़्यादा ही डलेगा, सो यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऑनियंस ऐड कर देंगे। ऑनियंस का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे। 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ तक ऐड किया है। नेक्स्ट 2 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसकी भी रॉ फ्लेवर जाने तक हम इसे सॉटे कर लेंगे 1 मिनट तक। आफ्टर 1 मिनट यहाँ पे मैं चॉप किया हुआ भिंडी ऐड कर रही हूँ। इस भिंडी फ्राई को बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है टू कंपेयर अदर भिंडी फ्राई, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सो भिंडी डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। 1/2 tablespoon ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। नेक्स्ट थोड़ी सी हल्दी। नेक्स्ट रेड चिली पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं रेड चिली पाउडर। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा वरना भिंडी टूट सकती है। इसका प्लेट कवर करके हम इसे 5 to 10 minutes तक मीडियम फ्लेम पे रख के पकाएंगे। आफ्टर 10 minutes मैं यहाँ पे इसका प्लेट ओपन कर रही हूँ। सो देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। हमें भिंडी को देखिए इस तरह से मिक्स करना होगा वरना ये टूट सकता है। सो ये तो परफेक्टली डन है। अगर इसी स्टेज पे आपको नमक या मसाला कुछ कम लगा तो आप चेक करके ऐड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये तो परफेक्टली डन है। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बन चुके हैं भिंडी हमारा। इसमें हमने पानी भी ऐड नहीं किया, सिर्फ ऑयल में बनाया है भिंडी को ये। सो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट कर लूँगी। आप चाहे तो इस भिंडी को रोटी के साथ खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे मैं इसे दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व कर रही हूँ। वैसे दाल चावल के साथ भी ये भिंडी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट्स में आप इस टेस्टी भिंडी को बना सकते हैं, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।